दोस्तों आइए देखते हैं आज तेजल क्या बना रही है। मैं बनाने जा रही हूँ तुवर की दाल की ड्राई फ्रूट वाली पूरन पोली। आटा, देसी घी, इलायची पाउडर और जायफल, केसर, किशमिश, खसखस, तुवर दाल, गुड़, मिक्स ड्राई फ्रूट, खजूर, अंजीर और ये मिल्क। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। मोन के लिए घी ज़रूरी है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। अब आटा हो चुका है, अब हम इसे घी लगा के ग्रीस कर देंगे और अच्छे से मल लेंगे। और अब हम इसे ढक के रख देंगे। कितने टाइम के लिए? करीबन 20 मिनट। इस दाल को हमें अच्छे से धोना है। फिर इसमें पानी डालकर हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये दाल आधे घंटे भीग चुका है, अब हम इसे पकाने जा रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के अभी हम इसी स्टेज में हम कुकर को बंद कर देंगे। 3 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। अंजीर के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। खजूर के भी हम टुकड़े कर लेंगे, इससे हम बीज निकाल देंगे। ये दाल ठंडी हो चुकी है, इसको यही कंसिस्टेंसी में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें गुड़ डालेंगे और फिर हम इसमें दाल डालेंगे। जब तक ये पिघल ना जाए तब तक हम इसको मिलाते रहेंगे। अभी हम इसमें खसखस डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब इसी स्टेज में हम उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। पहले अंजीर मिलाएंगे, खजूर मिला लेंगे, ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे, मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं ये। अब हम इसको और चलाएंगे, गाढ़ा हो जाना चाहिए, जैसे उसमें ये ऐसे गिरना नहीं चाहिए, ऐसे खड़ा रहना चाहिए, तो समझ लेना कि ये हो गया है। और अब किशमिश डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम जायफल ग्रेट करके डालेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर मिलाएंगे और थोड़ा सा घी मिलाएंगे। थोड़ी सी केसर मिला लेंगे, ये ऑप्शनल है। अभी ये हो चुका है, अभी हम गैस बंद कर देंगे। अभी ये ठंडा होने के बाद हम इसकी पूरन पोली बनाएंगे। पहले हम आटे का पेड़ा बनाएंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे।
अब हम इसमें पूरन डालेंगे, फिर हम इसे अच्छे से कवर करेंगे। फिर इसको ऐसे हम प्रेस करेंगे, फिर आटे में मिलाकर हल्का हल्का बेल लेंगे। तवे पे रखेंगे। एक साइड सीख चुका है और हमने इसे पलट दिया है। अब हम इसमें हल्का हल्का घी लगाएंगे और हम इसे पलट लेंगे। हल्का हल्का घी लगाएंगे और इसको हम सेक लेंगे। दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। अब हम इसे प्लेट में लगा लेंगे। इसके ऊपर और थोड़ा सा घी डालेंगे। ये पूरन पोली बहुत स्वादिष्ट होती है। आप इसे बनाइए, खुद खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।